नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के एक नए एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान जगत की रोचक खबरें। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप की, कैंसर डिटेक्शन डिवाइस की, साथ ही बातचीत करेंगे अंटार्कटिका से वापस लौटे वैज्ञानिक अभिषेक चौहान से। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देवस्थल में तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप। मुंह के कैंसर की पहचान होगी आसान। निशक्तों के लिए नई डिवाइस, बिना हाथों से भी पढ़ सकेंगे किताब। और मुलाकात करेंगे अंटार्कटिका से वापस आए डॉक्टर अभिषेक चौहान से। और अब खबरें विस्तार से। ब्रसल्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट कंट्रोल द्वारा देश के सबसे बड़े टेलीस्कोप को सक्रिय किया। ये टेलीस्कोप नैनीताल से 80 किलोमीटर दूर देवस्थल में स्थित है। 3.6 मीटर व्यास वाला ये देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। ১৬০৯ में जब गैलीलियो ने महज दो लेंस की मदद से टेलीस्कोप बनाया था, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये टेलीस्कोप एक दिन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला देगा। टेलीस्कोप को वजूद में आए 400 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन कहने की जरूरत नहीं कि ब्रह्मांड को समझने में इसका योगदान आज भी अभूतपूर्व है। मद्रास ऑब्जर्वेटरी से लेकर एस्ट्रोसैट तक भारत में टेलीस्कोप इंजीनियरिंग का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। अब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विस्तृत जानकारी के लिए भारत का सबसे विशाल ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। बेल्जियम की मदद से बना ये टेलीस्कोप नैनीताल से 60 किलोमीटर दूर देवस्थल में है। बेल्जियम यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल ने 30 मार्च को रिमोट तकनीकी एक्टिवेशन के जरिए इस टेलीस्कोप को चालू किया। इस मौके पर देवस्थल में केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। खाली 3.6 मीटर का आज यहाँ पर एस्टैब्लिश होकर देश के लिए समर्पित हो रहा है प्रधानमंत्री जी के और बेल्जियम के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। लेकिन अभी हम अपनी यात्रा को यहाँ पर नहीं रोक रहे हैं। हम तो दुनिया का जो सबसे बड़ा है 30 मीटर का टेलीस्कोप, उसको बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर चुके हैं। तो अमेरिका, कनाडा और जापान के साथ मिलकर हम 30 मीटर के लिए भी काम शुरू कर चुके हैं। 2023 तक वो तैयार हो जाएगा और उस टेलीस्कोप का तो ज़्यादातर हार्डवेयर और सारा कुछ जो है वो भारत जो है प्रोवाइड कर रहा है। 1300 करोड़ रुपये उस पर हम खर्च कर रहे हैं। इसके आने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा है। इस टेलीस्कोप को आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेस के एरीज और बेल्जियम के मेसर्स एमोस ने मिलकर तैयार किया है। टेलीस्कोप में शॉर्ट जेरोडोर नाम के पदार्थ से बने 150 टन वजन वाला लेंस लगा है, जिसका व्यास 3.6 मीटर है। भारत के इस सबसे बड़े टेलीस्कोप को दुनिया के किसी भी हिस्से से रिमोट के जरिए संचालित किया जा सकता है। ये टेलीस्कोप तारों के बारे में जानकारी हासिल करने, नए तारों की खोज करने, उपग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने, आकाशगंगा के केंद्र में चुंबकीय बल मापने और अंतरिक्ष कचरे के बारे में जानकारी हासिल करने में मददगार होगा। इस टेलीस्कोप को एक 10 मंजिली इमारत में स्थापित किया गया है, जिसमें हवा और तापमान को जरूरत के मुताबिक संतुलित रखा जाता है। खास बात यह है कि टेलीस्कोप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रोशनी एकत्र कर उसे फोकस करता है। इसे मर्जी के मुताबिक किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है, जबकि आमतौर पर किसी खास ग्रह पर नजर रखने वाले टेलीस्कोप की दिशा उस ग्रह की चाल के मुताबिक ही बदलती है। देवस्थल टेलीस्कोप को घुमाने के लिए 4 खास किस्म के क्रेन का बंदोबस्त है, जो कुछ मिलीमीटर प्रति सेकंड की धीमी रफ्तार से भी टेलीस्कोप की दिशा बदल सकते हैं। एरीज ने इस टेलीस्कोप को बनाने और इसके संचालन की पूरी प्रक्रिया का सफलतापूर्वक परीक्षण किया
तब कहीं जाकर इसे चालू किया गया। कैंसर रोग का पता अगर समय पर लग जाए तो काफी हद तक उस पर काबू पाया जा सकता है। अब इंदौर स्थित राजा रामन सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मुंह के कैंसर का पता लगाने की एक नई और कारगर तकनीक तैयार की है, जिससे बिना कोई टिश्यू लिए ही कैंसर का पता लगाया जा सकता है। दुनिया में आज शायद ही कोई ऐसा देश है जो कैंसर से ना लड़ रहा हो। कैंसर के कई रूपों से लड़ने के लिए पूरे विश्व में लगातार शोध जारी है। भारत की बात करें तो ये उन देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा ओरल कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। भारत में सभी कैंसरों से होने वाली मौतों में 40% मौतें केवल ओरल कैंसर यानी कि मुंह के कैंसर से होती हैं। और इसकी वजह है तंबाकू और पान मसाला का सेवन। अगर सही समय पर ओरल कैंसर की पहचान कर ली जाए तो मरीज को बचाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मुख्य रूप से कैंसर की पहचान मानव शरीर से लिए गए कोशिकाओं की जांच के द्वारा की जाती रही है, लेकिन कैंसर की और भी सूक्ष्म रूप से पहचान करने के लिए आज पूरी दुनिया में ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का इस्तेमाल तेजी से किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में कार्य करते हुए भारत के राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में कैंसर की पहचान करने के लिए नई तकनीक विकसित की गई है, जो समय पर ओरल कैंसर की पहचान करने में सक्षम है। आई एम हेडिंग दिस लैब कॉल्ड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। एक्चुअली इन दिस लैब वी हैव बीन डूइंग द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर बायोमेडिकल डायग्नोसिस। And there are several activities in this under this banner. One is use of fluorescence and diffuse reflectance spectroscopy as well as Raman spectroscopy for diagnosis of oral cancer. We have developed several prototype systems for doing that, and recently we have come up with a small LED based system, diagnostic system, which can be operated by the USB port of a laptop computer and can help in oral cancer screening. इस तकनीक को फ्लोरो रिफ्लेक्टो कॉम्बो डायग्नोस्कोप नाम दिया गया है। इस डिवाइस में मुख्य रूप से नाइट्रोजन लेजर, ऑप्टिकल फाइबर प्रोब और CCD डिटेक्टर शामिल हैं। जैसे ही प्रोब को मुंह की कोशिकाओं से संपर्क में लाया जाता है, ये इनमें मौजूद कैंसरस कोशिकाओं की पहचान कर लेता है, जिसे हम मॉनिटर पर जांच भी सकते हैं। इस प्रकार कोशिकाओं को बिना मुंह से निकाले ही इन डिवाइस की मदद से ओरल कैंसर की पहचान की जा सकती है। इस तकनीक के सफल परीक्षण के बाद इसे इंदौर के गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल में उपयोग में लाया जा रहा है, जबकि इसी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को और भी सुविधाजनक और छोटे रूप में विकसित कर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में भी स्थापित किया गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में बढ़ते ओरल कैंसर की पहचान करने के रूप में ये डिवाइस किसी वरदान से कम नहीं है। किताब पढ़ना एक बहुत ही आसान सा काम है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो किसी दुर्घटना में अपना हाथ खो चुके होते हैं। उनके लिए किताब के पन्ने पलटना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अब असम के एक छात्र ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसकी मदद से आसानी से किताब के पन्ने पलटे जा सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सामान्य लोगों की अपेक्षा शारीरिक रूप से निशक्त लोगों को सामान्य जीवन जीने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आम दिनचर्या में उन्हें ऐसी मशीनों पर निर्भर रहना पड़ता है जिसे वो आसानी से इस्तेमाल में ला सकें और अपने जीवन की कठिनाइयों को कम कर सकें। ऐसे में उन लोगों के लिए किताब से पढ़ाई करना एक मुश्किल काम होता है जिनके हाथ ठीक से कार्य नहीं करते।
ऐसे लोगों को इस मुश्किल से छुटकारा दिलाने के लिए आसाम के रहने वाले बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र स्वप्निल तालुकदार ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसके द्वारा बिना हाथों का इस्तेमाल किए हुए पुस्तक से पढ़ाई की जा सकती है। दरअसल ये एक फुट ऑपरेटेड पेज टर्निंग डिवाइस यानी पैरों से पेज पलटने का डिवाइस है जिसे सामान्य टेबल की कटिंग पर तैयार किया गया है। सामान्य तौर पर जैसे हम किताब या मैगजीन पढ़ते वक्त पन्ने को पलटने के लिए उंगलियों की मदद लेते हैं, इस डिवाइस को भी ठीक उसी तरह से तैयार किया गया है जिसमें तारों और रबड़ की मदद से उंगलियों जैसी तकनीक तैयार की गई है। वहीं इसे चलाने के लिए नीचे की तरफ पैडल लगाए गए हैं। इस डिवाइस में किताब को टेबल के बीच में रखा जाता है, इसके बाद पैरों के द्वारा एक तकनीक की मदद से पेज को दबाया जाता है जबकि दूसरी तकनीक की मदद से पेज को पलटा जा सकता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो जिसके पास हाथ नहीं होते उन लोगों को एक असिस्ट, एक एड देता है जिससे वो लोग किताबों के पन्ने पलट सकते हैं। ये एक फुट ऑपरेटेड डिवाइस है जिससे जिसके साथ आप पैरों की सहायता से आप जो भी किताब आप रखें यहाँ पे, न्यूज़पेपर हो सकता है, वो मैगजीन हो सकता है, उन जो भी किताब आप चाहिए आप रख सकते हैं इसके ऊपर और पैर के सहायता से आप किताबों के पन्ने पलट सकते हैं। तो अभी मेरा फ्यूचर्स प्लान ये है कि मैं इसको एक कम्प्लीट ऑटोमेटेड तरीके से इसको डिज़ाइन करूँ जो मुझे और 3 साल चाहिए होगा। तब आप क्या कर सकते हैं, आप वॉइस कमांड्स देके कि आप नेक्स्ट बोलिए वो बोलिए, उसके सहायता से आप कोई भी किताबों के पन्ने आप पल सकते हैं। तो उसके बाद और इनोवेशन जो डिफरेंटली एबल के लिए एक एड हो, आई कीप ऑन वर्किंग ऑन दोस एस्पेक्ट्स। ये डिवाइस बिल्कुल वैसे ही कार्य करता है जैसे कि सामान्य लोगों के हाथ। जरूरत है तो थोड़ी प्रैक्टिस की जिसके बाद इसे आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस डिवाइस को तैयार करने वाले स्वप्निल की माने तो वो आने वाले दिनों में अपने इस डिवाइस को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं जिससे कि शारीरिक रूप से निशक्त लोगों की पढ़ने की ललक को कायम रखा जा सके। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे अंटार्कटिका से आए एक जाने माने वैज्ञानिक से। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में चल रही वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए चलिए डालते हैं एक नजर साइंस एक्सप्रेस पर। भारत 12 से 17 जुलाई 2016 को होने वाले 6th एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग साइंटिस्ट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन का मकसद युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। गुड़गांव के अमिटी यूनिवर्सिटी में ये आयोजन फाउंडेशन फॉर ग्लोबल साइंस इनिशिएटिव्स कर रहा है। इस सिलसिले में विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 29 मार्च को इस सम्मेलन की हैंडबुक और वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस मौके पर इंटरनेशनल स्टीयरिंग कमेटी की प्रमुख प्रोफेसर मोनिका राहर्ती के अलावा अमिटी विश्वविद्यालय का सीनियर प्रबंधन और कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। इस सम्मेलन में अलग अलग क्षेत्रों के 18 साल तक आयु के युवाओं को रिसर्च प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट को बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड से नवाजा जाएगा। युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भारत में मुफ्त रोटा वायरस वैक्सीन का विकास कर लिया गया है। विज्ञान मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया रोटा वायरस वैक्सीन भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। अब ये वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के तहत देश भर में मुफ्त उपलब्ध होगा। पहले चरण में इसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में उपलब्ध कराया जा रहा है। और आज खोज खबर में हमारा विषय कुछ अलग है। जब कभी हम धरती के दो ध्रुवों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बर्फ की विशाल और रहस्यमय छवि उभरने लगती है।
हम में से ज्यादातर लोग अपने ख्यालों में कभी ना कभी ऐसी बर्फीली जगह पर जाने के बारे में जरूर सोचते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे खास मेहमान जो ऐसी ही साहसिक यात्रा से वापस लौटे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अभिषेक चौहान, जो अंटार्कटिका में हुई 35वीं भारतीय वैज्ञानिक अभियान में शामिल होकर लौटे हैं। तो खोज खबर में डॉक्टर चौहान से आज हम बात करेंगे उनके शोध और उनके अनुभव के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं अंटार्कटिका की एक छोटी सी यात्रा पर। धरती का सबसे दक्षिणी हिस्सा यानी दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिक दुनिया का सबसे ठंडा और सूखा हुआ प्रदेश है, जहां तकरीबन हर वक्त तेज हवा चलती है। अंटार्कटिक दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटी और आर्कटिक। एंटी का मतलब विपरीत और आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव के ठीक विपरीत के हिस्से को अंटार्कटिक कहते हैं। दक्षिणी महासागर से घिरा अंटार्कटिक करीब 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। दुनिया के इस सबसे सर्द इलाके में कोई नहीं रहता। दुनिया का 90% बर्फीला हिस्सा यहीं पाया जाता है। पूरे अंटार्कटिक का 98% हिस्सा बर्फ का एक ही विशाल टुकड़ा है, जिसकी मोटाई कम से कम 1.6 किलोमीटर है। बर्फ के इस विशाल भंडार में दुनिया का 70% ताजा पानी है। अगर बर्फ का ये टुकड़ा पिघल जाता है तो दुनिया भर में समुद्र की सतह करीब 200 फीट ऊंची हो जाएगी। अंटार्कटिक में पेड़ पौधों के नाम पर सिर्फ मॉस, लिवरवर्ट और फंगी मिलते हैं, जबकि जीव जंतुओं के नाम पर पेंगुइन, सील, कुछ समुद्री जीव और जोंक पाए जाते हैं। जिंदगी के लिए नामुमकिन से यहाँ के हालात वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए हमेशा लुभाते रहे हैं। शोधकर्ता यहाँ लगातार अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च कर रहे हैं, फिर भी इस महाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर अभी तक इंसानी कदम नहीं पड़े हैं। यहाँ चल रहे शोधों में मौसम विज्ञान से जुड़े आंकड़े जुटाना, समुद्र से जुड़े रिसर्च, जैवीय रिसर्च, भौगोलिक स्थिति से जुड़े शोध और यहाँ तक कि विपरीत परिस्थितियों में इंसानों के शरीर पर पड़ने वाले असर के बारे में भी शोध चल रहे हैं। इन शोधों के लिए 30 देशों के वैज्ञानिकों ने यहाँ अपने अपने रिसर्च स्टेशन बनाए हैं। इन सभी देशों ने अंटार्कटिक संधि पर दस्तखत किए हैं। 1983 में अंटार्कटिक संधि देशों का सदस्य बनने के बाद से अब तक भारत ने भी यहाँ 2 रिसर्च स्टेशन बनाए हैं। मैत्री रिसर्च स्टेशन के अलावा सबसे नए रिसर्च स्टेशन का नाम भारती है। इन रिसर्च स्टेशनों में भारतीय वैज्ञानिक लगातार भूगर्भ शास्त्र, भूगोल, मेडिसिन और कई दूसरे क्षेत्रों में शोध करने में जुटे हैं। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर अभिषेक चौहान से उनके शोध के बारे में। डॉक्टर चौहान, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डॉक्टर चौहान, आप हमें ये बताइए कि इस यात्रा के दौरान अंटार्कटिका में आपको काम करने का जो अनुभव था वो कैसा रहा? अंटार्कटिका में काम करने का अनुभव मेरा बहुत अनोखा अनुभव रहा है। प्रोफेसर तनु जिंदल, जो डायरेक्टर हैं MET इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी सेफ्टी एंड मैनेजमेंट, उनके नेतृत्व में मैंने अंटार्कटिका जाने का मेरे को मौका मिला। अंटार्कटिका एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अंटार्कटिका में जो तापमान है वो हमेशा माइनस में रहता है और जो न्यूनतम तापमान है वो -89°C अभी तक मापा गया है। अंटार्कटिका में जो स्टेशन है हमारे भारत के, एक मैत्री रिसर्च स्टेशन है, एक भारतीय रिसर्च स्टेशन है, दोनों रिसर्च स्टेशन पे हमने अपना शोध कार्य किया। शोध कार्य करते समय हमने कई चीज़ों का वहाँ पर अनुभव किया। वहाँ की अगर जीव जंतु की बात करें तो उसमें पेंगुइन है, स्कुआ है, स्नो पेटल है, सील है, उनका भी हमने आनंद लिया। इस पूरे एक्सपीडिशन में जो हमारे लॉजिस्टिक के मेंबर्स होते हैं वो हमें पूरी सपोर्ट देते हैं। जो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर आपको अगर मूवमेंट करना है उसके लिए वहाँ पर व्हीकल अवेलेबल हैं, उनकी सहायता से सारे जितने भी इंडियन साइंटिस्ट थे वो अपने साइंटिफिक एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। जी,
डॉक्टर चौहान आपसे जानना चाहेंगे, आपने कितना वक्त बताया अंटार्कटिका में, और ये भी जानना चाहेंगे कि अंटार्कटिका में शोध के दौरान वैज्ञानिकों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मेरा जो टाइम पीरियड था वो नवंबर से लेके फरवरी तक था जी। नवंबर में 26 नवंबर को हम मैत्री रिसर्च स्टेशन पहुंचे थे। जैसा कि मैंने बताया, मैत्री और भारती दोनों रिसर्च स्टेशन में मैंने काम किया है। हमारे साथ हिंदुस्तान के कई तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के साइंटिस्ट थे, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट पेलियोबोटनी है। तो वहाँ के सारे जो साइंटिस्ट हैं, सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वहाँ पर अपने साइंटिफिक एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। रही बात वहाँ पर मुश्किल आने की और जो कठिनाइयाँ आती हैं उसमें, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में रहता है, तेज हवाएं चलती है, शुष्क वातावरण रहता है, तो उसमें जो नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च ने जो हमें पोलर क्लोदिंग दी हुई थी और जो डूज एंड डोंट्स थे उसको हम फॉलो करते थे, उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो साइंटिफिक एक्टिविटी है उसको अंजाम देते थे जी। डॉक्टर चौहान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अंटार्कटिका में जाके इस तरह से रोचक शोध करना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? मैं भारत के जो युवा छात्र हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जो शोध कार्य कर रहे हैं, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर वो किसी भी अपनी साइंटिफिक कोई नया नोवल आइडिया उनके पास है तो वो एवरी ईयर NCAOR इन्विटेशन निकालता है, तो उसमें अपने उस नोवल आइडिया को सबमिट कर सकते हैं। अगर उनको वो आइडिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और NCAOR को वो आइडिया पसंद आता है तो वो स्टूडेंट को वहाँ पर जाने का मौका देते हैं। स्टूडेंट चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, साइंस बेस्ड, चाहे बायोटेक्नोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे किसी भी जियोमैग्नेटिज्म का हो, तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है और ब्यूटीफुल अंटार्कटिका को विजिट कर सकता है। शुक्रिया डॉक्टर चौहान, आपने हमसे बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा TV। नमस्कार।